ये थोड़ा सा देखे दोस्तों, फर्टाइल है ये, टर्टल है, बहुत तेज है दोस्तों ये। देखिए आप, छोटा सा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो दोस्तों रात हो गई है जिसका हमें इंतजार था। कुछ दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैंने कहा था कि मैंने जो मुर्गी अंडों पे बिठाई है उसकी कैंडलिंग करनी है। तो दोस्तों उसकी कैंडलिंग भी करते हैं और एक सरप्राइज भी है। दूसरा, हमने जो हमारी जो गोल्डन फिंचीज हैं उनके नाम भी रखने हैं। और आयत ने अपनी ऐनक दे दी है कि बाबा आप लगा लें, पर ये छोटी है, आप लगा लो। ये लो, आप लगाओ, दिखाओ। वाह माशाल्लाह दोस्तों, कैसी लग रही है? अब लाजमी बताइए। मुर्गियों को मैंने दाना भी डाल दिया है कि ये बेचारों को आसरा होता है कि आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ डालें। ये चले दोस्तों, आ जाए, अब हम कैंडलिंग करते हैं अपनी मुर्गी के अंडों की। लाइट मैंने बंद कर दी तो, क्योंकि अंधेरा होगा तो कैंडलिंग होगी। हम बाइल की लाइट ऑन करते हैं। दोस्तों हमारी एक और मुर्गी कुड़क हो गई है और इसने एक अंडा भी अपने नीचे, ये पता नहीं कौन सी मुर्गी का है। चलो इंशाल्लाह, अब अंडे तो है नहीं है, सिर्फ 3 अंडे पड़े हैं नीचे, और अंडे मार्केट से लेके आएंगे, इसको भी अंडे उठाते हैं। पहले ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुझे कोई इससे अच्छी उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये जब इसका दिल करता है दिन में 3 से 4 दफ़ा अंडों पे से उठ के चली जाती है, घूमती फिरती रहती है। बहुत कम अपने अंडों को इनको वेट करती है दोस्तों, क्योंकि मैं सारा दिन तो इसके सर पे खड़ा नहीं रहता कि मैं इसको बार बार पकड़ के इसको बंद करूं। चले फिर भी चेक कर लेते हैं, दुआ कीजिएगा कि इसके अंडे फर्टाइल हों और हमारे सेटअप पे बच्चे आ जाएं दोस्तों। बिस्मिल्लाह। दोस्तों लाइट तो नहीं गुजर रही अंडों में से, बट ये अंडा दोस्तों, बच्चा थोड़ा सा बना हुआ है लेकिन बाकी ये अंडा सारा ख़राब हुआ पड़ा है। ये बच्चा तो इसमें बना हुआ था लेकिन ये 10 से 11 दिन हो गए हैं इसको बैठे हुए को, अब तक तो बच्चा बन जाना चाहिए था लेकिन दोस्तों ये ख़राब हुआ पड़ा है। ये देखो आवाज़ आ रही है, सारा पानी बना पड़ा अंदर, ये इसकी ना बैठने की वजह से दोस्तों। एक वो दोस्तों ये वाला अनफर्टाइल अंडा, ये सही से बैठती नहीं थी दोस्तों। ये देखिए आप, ये भी अनफर्टाइल है। 3 अंडे देखे हैं दोस्तों, तीनों ही ख़राब हैं। मेरा तो आगे दिल ही नहीं कर रहा कि मैं चेक करूं, क्योंकि दोस्तों ये सही तरह बैठ ही नहीं रही थी अपने अंडों पे। मुझे पहले शक था, मैंने तो दोस्तों इतनी दूर से एक दो से ग्योना फोल के 4 अंडे और 5 बड़ी अच्छी, उसके पास एक असील नसल है दोस्तों उसके अंडे, ये भी ख़राब है दोस्तों। ये देखें, उसके अंडे मंगवाए थे मैंने, ये ग्योना फोल का है दोस्तों अंडा, ये इसके अंदर ये बच्चा बना हुआ है दोस्तों। चलो एक में तो बच्चा है ना दोस्तों, इसको साइड पे रख देते हैं। वो 1 मिनट हमने चेक तो करने दो, ये 4 ख़राब है दोस्तों, एक ये वाला अनफर्टाइल है, ये भी अनफर्टाइल है दोस्तों। ये देखिए, ये भी ग्योना फोल का अंडा है, ये फर्टाइल है दोस्तों। ये देखिए आप, इसमें लाइट नहीं गुजर रही, नज़र आ रहा है आपको, ये भी अनफर्टाइल है। ये भी अनफर्टाइल है, ये देखिए आप, ये थोड़ा सा देखे दोस्तों फर्टाइल है। ये देखिए इसको भी साइड पर रखते, ये भी अनफर्टाइल है दोस्तों, ये भी फर्टाइल है, ये खाब है बस, ये टाइल है, ये खाब है बस ना बाबा, ये बस खाब है। ये भी दोस्तों खराब है, बोलो भाई,
दोस्तों ये फर्टाइल हुआ है, लेकिन ये इसकी ना बैठने की वजह है दोस्तों, जो सही इनको बेट नहीं हुआ ये ख़राब हुआ हुआ है दोस्तों। ये देखो हिल रहा है, अंदर से आवाज़ आ रही है, क्योंकि दोस्तों ये दिन में 3 से 4 दफ़ा अपने अंडों से उठ जाती थी। तो दोस्तों ऐसे अंडे थोड़े फर्टाइल होते हैं, मुझे इस पर पहले ही उम्मीद नहीं थी दोस्तों। दोस्तों ये भी अनफर्टाइल है, दोस्त से मंगवाए थे अंडे मैंने, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 एक अंडा दोस्तों इसने खुद ही खा लिया है, बाकी सिर्फ ये 3 अंडे फर्टाइल हैं। ये भी कुछ दिन तक दोस्तों नहीं बैठेगी तो ये भी ख़राब हो जाएंगे। इस सारे अंडे इसने दोस्तों ख़राब कर दिए अपने, ये सिर्फ 3 अंडे इसमें से ठीक हैं, बाकी सारे ही ख़राब हैं दोस्तों। ये बैठती नहीं थी अंडों पे, जब इसका दिल करता था उड़ जाती थी, जब दिल करता था बैठ जाती थी। मैंने आपको पहले वीडियो भी एक बनाई हुई है इस पर पहले भी, क्योंकि अब 24 घंटे तो सर मैं इसके सर पर नहीं खड़ा रहता कि मैं इसको पकड़ पकड़ के बिठाऊँ। चले इसको अब वापस फिलहाल रखते हैं अंडे। येलो, इसको देखें दोस्तों, ये अपनी तरफ खींच रही है। तो ये वो मुर्गी है दोस्तों जो मुझे पेयर कुछ दिन पहले आया था, मुर्गा और मुर्गी। तो ये भी कुड़क हो गया दोस्तों, इसने तो दिल ही तोड़ दिया आज। तो इसको फिलहाल ये टोकरी लगा देते हैं, इसको बैठा रहने देते हैं, सुबह मार्केट जाएंगे, अगर हमें अंडे मिले उस मुर्गी के लिए भी लेके आएंगे। घर तो सिर्फ 3 अंडे पड़े हैं दोस्तों, जो कल वाली परसों वाली वीडियो में आपने देखा होगा मैं लेके गया हूँ नीचे। तो इसके अलावा बाकी मार्केट से लाने पड़ेंगे। दुआ कीजिएगा हमें और अंडे मिल जाएं, इसने तो सारे अपने अंडे, इसको दोबारा बिठाऊं या ना बिठाऊं वो भी आपने मुझे बताना है। इसको तो मैं ज़रूर बिठाऊंगा, ये अच्छी लग रही है मुझे मुर्गी। तो सुबह मार्केट जाएंगे इंशाल्लाह और अंडे लेके आएंगे। चलें दोस्तों, जो अब गुड न्यूज़ है वो आपको बताते हैं, जो सरप्राइज़ है सॉरी वो दिखाते हैं। इसने तो हमारा दिल तोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा अफसरदा हूँ दोस्तों, बाकी अल्लाह वारिस है, कोई बात नहीं है। नुकसान फ़ायदे घाटे मुनाफे ज़िंदगी का हिस्सा है, ये नहीं तो कोई और सही। इंशाल्लाह काफ़ी मुर्गी हैं, कोई और कुड़क हो जाएगी। एक तो हो गया है अल्लाह का शुक्र है, उसको हम अंडे पे बिठाएंगे तो उसमें से बच्चे निकल आएंगे। इसके बदौलत हमारे नसीब में नहीं थे। चले आ जाए, आ जाओ आयत। चले दोस्तों आपको दिखाते हैं वो क्या चीज़ है जो मैं आज लेके आया हूँ। वो मार्केट से गुजरा था दोस्तों, तो एक भाई के पास थी ये, मुझे पसंद आई मैंने उससे ले ली। तो मेरे पास उसके रखने के लिए कोई खास जगह नहीं है, मैंने फिलहाल ऐसे जुगाड़ लगाया हुआ है, दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये टर्टल है, बहुत तेज है दोस्तों। ये देखिए आप, छोटा सा माशाल्लाह। मैंने इसको इसमें रखा हुआ है, इसमें पानी डाला हुआ है, तो मुझे नहीं पता ये मिट्टी में रहते हैं या पानी में। मुझे पसंद आया दोस्तों, मैंने ले लिया। तो आपको कैसा लगा हमें लाजमी बताइएगा। मुर्गी ने तो हमारा दिल तोड़ दिया दोस्तों, लेकिन आपको ये हमारा सरप्राइज़ कैसा लगा दोस्तों? बस ऐसे ही मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया, मेरे पास जगह भी नहीं थी। तो ये देखो माशाल्लाह कितना तेज़ है दोस्तों, ये अभी अकेला ही है दोस्तों, अगर इसका पार्टनर मिला तो हम पार्टनर भी लेके आएंगे। तो दोस्तों मैंने इसको फिलहाल इसमें रखा हुआ है, तो अभी हमने फाउंटेन भी बनाना है, आपको मैंने पहले भी बताया था वीडियोस में। तो इंशाल्लाह जब बन जाएगा इसको उधर ही शिफ्ट करेंगे, कुछ टाइम है इंशाल्लाह, कुछ टाइम तक जब बन जाएगा। आयत आपको कैसा लगा ये? बड़ा लगा है दोस्तों। सुबह इंशाल्लाह इसका नाम भी रखेंगे हम, मैंने फिंचेस का नाम भी सोचा हुआ है, और अपने जो मोर हैं तो गोल्डन फिंचेस का सुबह नाम रखेंगे, इसका नाम रखेंगे, और जो हमारे मोर हैं उनका नाम सुबह इंशाल्लाह। इन 3 चीज़ों का मैंने सोचा है कि लाजमी सुबह उनका नाम रखना है। काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने पूछा था आपसे, कुछ दोस्तों ने बताए भी हैं हमें, तो जो जो हमें अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह सुबह नाम लाजमी रखेंगे। तो इसका नाम भी आपने हमें लाजमी बताना है, अगर अच्छा लगा तो वही रखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैंने तो सोचा हुआ है। तो चलें दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल बुखारी पेट हाउस को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।